ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी और कांग्रेस की लिस्ट में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम। चर्चा में इसलिए कि जब तमाम दिग्गज पीछे हट गए, कमलनाथ जैसे बड़े नेता चुनाव नहीं लड़े, तब दिग्विजय सिंह ने आलाकमान के आदेश को माना, चुनौती को स्वीकार किया और उतर गए मैदान में। मैदान है राजगढ़ का, लेकिन क्या राजगढ़ में दिग्विजय सिंह की राह आसान है या घमासान है? क्योंकि राजगढ़ को वैसे दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन एक चुनाव जब हारते हारते बुरी तरह बच गए थे दिग्विजय सिंह, और उस चुनाव को राजगढ़ के शायद दिग्विजय सिंह कभी नहीं भुला पाते हैं, क्योंकि जो कहीं एक जानकारी निकल कर सामने आई कि एक चुनाव ऐसा था जिसमें आंखें नम हो गई थी दिग्विजय सिंह की, वो 1991 का चुनाव था। पहले मैं आपको बता दूं, दो बार सांसद रहे दिग्विजय सिंह यहां से, पर ऐसा नहीं कि दिग्विजय सिंह के परिवार का प्रभाव नहीं रहा। दिग्विजय सिंह इतने दो बार सांसद रहे, उसके बाद लगातार उनके भाई जीतते रहे यहां पर। लेकिन वो चुनाव क्या था 1991 का, जब दिग्विजय सिंह को मैं कह रहा हूं कि हार के करीब पहुंचकर जीत मिली थी? हुआ ये था, 1991 में दिग्विजय सिंह का मुकाबला जनसंघ के संस्थापक प्यारेलाल खंडेलवाल से था। प्यारेलाल खंडेलवाल पहले भी दिग्विजय सिंह को हरा चुके थे। 1984 में दिग्विजय सिंह की एंट्री हुई थी राजगढ़ लोकसभा में, क्योंकि उनका जो गृह क्षेत्र है राघोगढ़, उससे लगा हुआ इलाका है। 1984 में जीते दिग्विजय सिंह, 1989 में फिर हार गए दिग्विजय सिंह। प्यारेलाल खंडेलवाल ने इस बार उनको बुरी तरह हरा दिया था। 1991 के चुनाव को लेकर लोग कहते हैं कि बड़े कॉन्फिडेंट थे दिग्विजय सिंह, क्योंकि वो राजगढ़ में अपनी जड़ें मजबूत कर चुके थे, या यूं कहूं कि उनके परिवार का प्रभाव था। लेकिन 1991 के चुनाव में जो पुराने कांग्रेसियों से सुना है और जो पता चलता है कि एक दौर ऐसा आया कि मतगणना में पीछे चल रहे थे, लोकसभा की मतगणना में दिग्विजय सिंह काफी पीछे चल रहे थे राजगढ़ में प्यारेलाल खंडेलवाल से, और जो पुराने लोग बताते हैं वो काउंटिंग में भी बैठना नहीं चाह रहे थे, उनकी आंखें नम हो गई थी, वो मैदान से जा रहे थे क्योंकि लग रहा था कि पीछे ही चल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक एक बड़ा उलटफेर हुआ और दिग्विजय सिंह चुनाव जीत गए? तो मैं आपको बता दूं, दरअसल कुछ क्षेत्र की पोलिंग बाकी खुलना बाकी थी, जहां के एक नेता ने दिग्विजय सिंह से कहा था कि आप रुक जाओ, आप पीछे चल रहे हो, कोई बात नहीं। दिग्विजय सिंह मान चुके थे कि वो हार रहे हैं, और हुआ भी ऐसा ही कि उन पोलिंगों में से दिग्विजय सिंह जीत गए, और जीत बहुत बड़ी नहीं थी। लोकसभा में राजगढ़ जैसा बड़ा क्षेत्र लगभग 1500 वोटों से ही जीत पाए थे दिग्विजय सिंह, तो आप अंदाजा लगाइए उस चुनाव को दिग्विजय सिंह भुला नहीं पाते हैं। फिर वही राजगढ़ है जिस राजगढ़ में कई बार उनके भाई जीते, लेकिन क्या दिग्विजय सिंह के लिए राह आसान है, ये देखना होगा। आप देखते रहे एमपी तक।